हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर फेयर प्ले। टुडे वी विल स्टार्ट रीडिंग पार्ट टू। यस्टरडे वी हैव रीड दैट द ओल्ड लेडी हु वॉज आंट ऑफ जुम्मन शेख invited Algu to the panchayat. Okay, so let's start part 2. What happened? The panchayat was held the same evening under the old banyan tree. क्या हुआ? जब जुम्मन की चाची ने अलगु चौधरी को पंचायत में बुलाया, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, वो चली आई। ठीक उसी दिन शाम को एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव में पंचायत बैठी। उसी दिन शाम को जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, क्या? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। ओके, यानी कि जो पंच होते हैं वो भगवान के बराबर होते हैं, उनका फैसला सर आँखों पे होता है। कौन कह रहा है? जुम्मन। लेट Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. जुम्मन ने क्या कहा पंच के बीचों बीच खड़े होके पंचायत में, कि मेरी aunt जिस किसी का भी नाम मिले, नॉमिनेट मीन्स नामांकन करना, द हेड पंच, किसी को भी इस पंचायत में जिसे अपना पंच वो चुनेंगी, जिसका नाम लेंगी इस फैसले को सुनाने के लिए, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। यानी कि आई विल अबाइड मीन्स एक्सेप्ट, मैं मुझे स्वीकार होगा उनका फैसला, मैं सहमत होऊंगा। पैरा 6, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनेमी। पंच न तो दोस्त जानते हैं और ना तो दुश्मन। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इनके बारे में क्या कहेंगे? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, दैट इज मीन उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि पंच ना तो दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि उन्होंने अलगू चौधरी को अपना हेड पंच नॉमिनेट किया जुम्मन की मौसी ने। फाइन, बढ़िया है। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। बढ़िया है, जुम्मन ने उत्तर दिया छुपाते हुए अपने आनंद को, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड, जिसको कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अलगू फ्रेंड बनेगा, उसका जज क्या बनेगा, मतलब जज मीन्स फैसला करने के लिए पंच को वो अलगू को चुनेगी। ठीक है, पीस ऑफ वर्क लक, इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले से उसे खुशी नहीं हुई, फिर भी उसने कहा फाइन। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। जब अलगू को सरपंच चुना गया तो अलगू ने क्या कहा? चाची, आप तो भली भांति इस चीज़ को जानती हैं, आप इस चीज़ से जागरूक हैं, हमारी यानी कि मेरी और जुम्मन की दोस्ती से वाकिफ हैं। आई नो दैट, हाँ मुझे पता है, रिप्लाइड द आंट। आंट ने जवाब दिया, बट आई आल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ दैट कि यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा विवेक,
अपना विवेक नहीं खोओगे, अपने अंतरात्मा को जो तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आएगी तुम उसे नहीं मारोगे। अपनी दोस्ती बचाने के लिए, अपनी दोस्ती के लिए तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं दबाओगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान निवास करते हैं पंच के हृदय में। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ जो निकलती है फैसले के समय वो भगवान की आवाज़ होती है, एट दैट टाइम, उस समय। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी औरत ने उस केस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, बताना। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने क्या कहा? जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं क्या हैं? पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी मौसी, खाला, काकी जो भी है वो उतनी ही प्रिय है मुझे जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन मैं क्या हूँ? पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट दोनों ही मेरे समक्ष बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे, यानी तुम्हें कुछ कहना है? सो वॉट जुम्मन सेड इन हिज डिफेंस, ही स्टार्टेड सेइंग, 3 years ago, 3 वर्ष पहले उसने ये कहते हुए शुरू किया। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया, अपनी बात कहनी शुरू की। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने, मेरी मौसी, मेरी खाला ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, वसीयत मेरे नाम ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उनसे ये वायदा किया था कि मैं उनकी देखभाल करूँगा जब तक वे जीवित रहेंगी। ओके, आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे झगड़े हुए बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और मौसी के बीच में। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी मौसी क्लेम कर रही हैं, ये दावा कर रही हैं, क्या महीने के भत्ते के मांग कर रही हैं मुझसे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज ऑल, ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव टू से, बस यही था जो मुझे कहना था। नेक्स्ट पैरा, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन की क्रॉस एग्जामिनिंग हुई, यानी कि उनसे कई सवाल पूछे गए, किसके द्वारा? अलगू से और उस सरपंच में जो भी मेंबर्स थे उनके द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू ने क्या अनाउंस किया? वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम लोग मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने सुना और इस पे पहुँचे हैं। इन योर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, हमारे मतानुसार, हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। अलगू ने क्या फैसला सुनाया कि जुम्मन को जरूर, बिल्कुल, एकदम अवश्य ही क्या है, महीने का भत्ता देना होगा, और एल्स, और नहीं तो, इसके अलावा अगर नहीं दिया तो द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, पूरी जायदाद फिर उन्हें वापस करनी होगी अपनी मौसी को। ये 2 फैसले आए थे, उनमें से एक को जुम्मन को मानना था। द लास्ट पैरा ऑफ दिस पार्ट, नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। इस फैसले के बाद वो दोनों मित्र कभी, है ना, बहुत ही मुश्किल से एक साथ दिखते थे, मतलब उनकी दोस्ती में दरार आ गई। इस फैसले के बाद द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब उनके मित्रता की जो
गांठ थी, जो बांध थी, वो टूट गई। इनफैक्ट असल में, वास्तव में जुम्मन वॉज अलगू जिनेमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब क्या हुआ, जुम्मन अलगू का दोस्त सॉरी शत्रु हो गया एंड वो अब क्या चाह रहा था, उससे बदला लेना चाह रहा था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस स्टोरी व्हाट आई हैव रीड एंड एक्सप्लेन टुडे वेरी प्रॉपरली टू टाइम्स। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बाय बाय।